हेलो वीवर्स, आज उर्दू कॉन्फ्रेंस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 15वीं जो हो रही है कराची में आर्ट काउंसिल में, इसका आज सेकेंड लास्ट डे है। ठीक है, कल संडे आखिरी दिन है, 4 दिसंबर का कल आखिरी दिन प्रोग्राम है, तो ये आज सेकेंड लास्ट डे है, तो बड़ा अच्छा हो रहा है कराची आर्ट काउंसिल में। अगर आपको आना है तो आप संडे वाले दिन भी आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ मुशायरे वगैरह दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स। हेलो व्यूअर्स, मेरे साथ हैं हमाद और गुलजार। कैसे हो आप दोनों? कैसी लगी ये उर्दू कॉन्फ्रेंस आपको? वेरी वेल। मुझे लगता है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए क्योंकि नौजवान हमारे आजकल फेस बोलना ताकि आवाज़ ना यहाँ पे शोर है ना आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए क्योंकि मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलते नौजवानों को। ठीक है, जिस तरह से ये स्टेप है रेगुलर, मैं बोल रहा हूँ बाय एनुअल होनी चाहिए। अगर सालाना हो गई है तो बाय एनुअल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ या फूड स्टॉल भी बने हुए, फैमिली ओरिएंटेड माहौल है। ठीक है, बुक्स काफ़ी अच्छी मैंने देखी है। ठीक है, तो इन शाला लेकिन और अभी बड़ा अच्छा मुशायरा चल रहा है। अच्छा, उनको बोलूँगा क्या करें इसको प्रमोट। क्या ख्याल है, कराची में आर्ट काउंसिल एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है ना? और अहमद शाह साहब बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं और पाकिस्तान के लिए आर्ट काउंसिल के लिए बहुत काम करते हैं, तो इनका भी शुक्रिया। और ये भाईजान दूसरे हैं, आप भी बताइए ज़रा, आपको कैसा लगा आर्ट काउंसिल का ये प्रोग्राम आज का? काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है। ठीक है, काफ़ी लोग स्टूडेंट्स के लिए बुक्स रखी हैं, हम लोगों ने बुक्स स्टॉल है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप लोग आए, कल लास्ट डे हमारा, तो अच्छे आप लोग की नई आने वाली जनरेशन जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनको। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे इधर आर्ट काउंसिल में विजिट करें और बच्चों के साथ आएँ, अच्छा बच्चे। बिल्कुल, आप क्या बोलते हैं कि उर्दू तो बच्चों को आनी चाहिए ना, हमारे मुल्क की जबान है, इसके बारे में जानना चाहिए ना? जी जी जी। और मुझे ऐसा लगता है बच्चे उर्दू से बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा आने लगी है पाकिस्तान में नए बच्चों को, उर्दू के बहुत सारे जो ऐसे जुमले हैं ना वो नहीं समझते हैं, तो ये आर्ट काउंसिल एक हेल्प कर रहा है कि हमारे पाकिस्तान की उर्दू जबान जो है ना वो हमारी आने वाली नस्ल को भी आनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहा। और आप अपनी फैमिली के साथ आए हो, अकेले आए हो आज? हम अकेले हैं, कल प्लान है फैमिली के साथ आने का, खुद साहब को सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, मुझे बहुत खुशी हुई आपका इंटरव्यू लेके। अल्लाह हाफिज़। ऊपर ये खाया हुआ है, दो सीटियाँ बच चुकी हैं, आप खुदा जाने ये कितनी सीटियों में दाल गलने वाली है। ये हमारा कराची का मुशायरा है और कराची के मुशायरे में सीटियाँ कभी नहीं बचती हैं। हम दाद देते हैं, तालियां भी बजा लेते हैं, लेकिन ये सीटियां चूँकि एक महज़ब तरीक़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल हर एक को हक़ है अपनी मादरी ज़बान में दाद देने का। तो अब हम अपने मुशायरे में एक शायरा को मधु कर रहे हैं जो बरतानिया से तशरीफ लाई है। आप इससे पहले भी उन्हें मुशायरों में समात करते रहे हैं और हमेशा दाद देते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यॉर्क शायर अदबी फोरम की वो भी बहुत अहम रुकन है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स करती हैं। समात कीजिए तीन शेरी मजमुओं की खालिद मोहतरमा गज़ल अंसारी। कोई दुश्मनी थी अमरी, अमजद जान अमजद के इस बार मुझे तुमने बुला लिया, अब मुझे कौन सुनेगा? क्या बात कर रहे हैं आप खवातीन? मुझे यही खतरा था कि ये यही होने वाला है और मुझे इसको लाल टोपी वाले बहुत अच्छी बात करते हैं। खैर, दो तीन रतेदार और फिर दो तीन शेर बदल के बजा ले तालियां। मैं सोच रही हूँ क्या सुनाऊं तो चल जाए। तरन्नुम से सुनाइए ना, आपका तो तरन्नुम इतना खूबसूरत है, मतलब कलाम भी और तरन्नुम भी। जब दिल ने जिंदगी के करीने सिखा दिए, जब दिल ने जिंदगी के करीने सिखा दिए, हमने किताब इश्क के पुर्जे उड़ा दिए। जब दिल ने जिंदगी के करीने सिखा दिए, हमने किताब इश्क के पुर्जे उड़ा दिए, गिरती थी रोज रोज ये दीवारें आरज़ू।
गिरती थी रोज रोज ये दीवारें आरजू, हमने थपक थपक के सबर माँ सुला दी। और नफरतों की सियाह रातों में, नफरतों की सियाह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, इससे पहले के ख्वाब मर जाएं, अपने ख्वाबों की जिंदगी मांगो। उलझन इकरार की है और न इनकार की है, असल में बात फकत जुर्रत इजहार की है। असल में बात फकत जुर्रत इजहार की है, बावजू नजरों से देखा है इबादत की तरह, बावजू नजरों से देखा है इबादत की तरह, कैसी शफाफ नजर मेरे तलबगार की है। बावजू नजरों से देखा है इबादत की तरह, कैसी शफाफ नजर मेरे तलबगार की है। एक छोटी सी नज़्म, जरूरतों के इवज किया था रहन खुदी को, जरूरतों के इवज किया था रहन खुदी को, मिले थे जब तुम जमाने पहले, जरूरतें खत्म हो चुकी हैं, तमाम कर्जा चुका दिया है। जरूरतें खत्म हो चुकी हैं, तमाम कर्जा चुका दिया है, चलो मुझे अब रिहाई दे दो, मैं सूद में खत्म हो रही हूँ। शुक्रिया। तरन्नुम से तीन चार अशआर और फिर इजाज़त। दिल जिसे चाहे वो मिल जाए, जरूरी तो नहीं, दिल जिसे चाहे वो मिल जाए, जरूरी तो नहीं, दिल का हर आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।